गाइस समर का सीजन है, साथ में आ गई शादियाँ। ऐसे में मन करता है कि बस कच्चे बनियान में रहूँ, लेकिन क्या करें गाइस, भाई की शादी है, बहन की शादी है, मामा के ताऊ के सबकी शादी है, तो उसमें सेक्सी भी दिखना है, लेकिन क्या करें, उसकी टेंशन आप लोग मत लो, आपका भाई है ना, मुझ पे छोड़ो। सो गाइस मेरा नाम है बिहान शर्मा, आप सभी का फिर से वेलकम अपने भाई के चैनल पे। सो गाइस अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देख के जाना समझे। देखो गाइस ये जो विंटर का सीजन होता है इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आउटफिट्स के, बिकॉज गाइस आप लेयरिंग करके बहुत सारे कपड़े पहन सकते हो, बहुत सारी आउटफिट्स बना सकते हो नई नई। लेकिन जो ये जो समर्स होते हैं इनके अंदर आपको मतलब लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, लेकिन लिमिटेड भी अनलिमिटेड होते हैं। देखो भाई लोग, हम आउटफिट जो है मतलब कई तरीके की पहन सकते हैं, जैसे फॉर्मल हो गई, सेमी फॉर्मल हो गई, कैजुअल हो गई। लेकिन गाइज मेन बात ये है कि आप जो कलर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आउटफिट का वो कैसे, अगर आपके आउटफिट का कलर कॉम्बिनेशन ही खराब है, गड़बड़ाया हुआ है, तो मतलब आप कहीं से भी सेक्सी नहीं दिखने वाले समझे। देखो भाई लोग, अगर आपके घर में शादी, आपके भाई की शादी, आपकी बहन की शादी है, तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मल आउटफिट या फिर कुर्ता पजामा विद नेहरू जैकेट के साथ आपको जाना चाहिए। ये आपको मतलब एक मैच्योर लुक भी देती है और साथ में आप एक सेक्सी लुक भी आपको मिलता है। अगर गाइज आपके पास से कोई भी आउटफिट नहीं है पहनने के लिए, तो आप ऑल ब्लैक ट्राई कर सकते हो। गाइज ये आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो बड़ी आसानी से, बिना रोक टोक के, बिकॉज इसके अंदर आप सेक्सी तो लगने ही वाले हो। अगर आप कुर्ता पजामा डालना चाहते हैं तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही डाल ले। अगर गाइज आपका कलर डार्क है और आप पहन रहे हो येलो कलर तड़कता भड़कता, तो वो मतलब आप तो दिखोगे नहीं, लेकिन आपका जो कुर्ता पजामा वही हाईलाइट रहेगा। सो आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही कलर को चूज करना है। और कुर्ता पजामा या फिर मतलब कोई भी आउटफिट अगर आप पहनते हो तो आपको कपड़े पहनने चाहिए टेलर फिटिंग, आपको टेलर से अपने कपड़े सिलवा लेने चाहिए, बिकॉज टेलर फिटिंग जो होती है वो मतलब एक नंबर होती है। अगर गाइज आप टेलर फिटिंग कपड़े पहनते तो आपकी जो ओवरऑल लुक है वो मतलब बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिखने वाले हो आप, तो आपको मेरे ख्याल से टेलर्ड फिटिंग के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ अगर आप कुर्ता पजामा के साथ में नेहरू जैकेट पहनते हो तो आप बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिखने वाले हो। और हाँ गाइज बहुत से मेरे भाई हैं, वे एक गलती जरूर करते हैं, वे फॉर्मल आउटफिट तो पहन लेते हैं लेकिन गड़बड़ी ये करते हैं कि नीचे जो शूज पहनने होते हैं उन्हें फॉर्मल, उनकी जगह वे पहनते हैं स्पोर्ट्स शूज, जिसके अंदर उनकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी उसकी बाट लगाते हैं, माँ बहन एक कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जिस तरह के मतलब आप आउटफिट पहनते हो उसी तरह के आपको शूज भी पहनने हैं। जैसे आप जैसे गाइज आप फॉर्मल आउटफिट पहनते हो तो आपको उसके साथ आपको फॉर्मल शूज पहनने चाहिए। अगर आप जैसे कैजुअल पहनते हो कपड़े तो उसके साथ आप जैसे स्नीकर्स हो गए, स्पोर्ट्स शूज, मतलब ये पहन सकते हो। मतलब हर आउटफिट के लिए हर शूज होते हैं यार। अगर गाइज आप लोगों को नहीं पता कि कौन से शूज कब पहनने चाहिए और शूज के टाइप्स कितने होते, तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझे। और हाँ गाइज भाई पर अगर बात करें, आपको किसी पार्टी में जाना, किसी फंक्शन में जाना, आपके घर पे कार्ड आया हुआ है, लेकिन हाँ कार्ड आया होगा तभी तो आप जाओगे, है ना। आपको अगर किसी पार्टी वगैरह में जाना है दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, तो घर वालों के साथ, तो आप फॉर्मल के साथ भी जा सकते हो, तो आप फॉर्मल ड्रेस पहन के भी जा सकते हो या फिर आप कैजुअल आउटफिट के साथ जा सकते हो। इन फंक्शंस के अंदर आपकी मर्जी होती है, मेरे ख्याल से आपको कैजुअल आउटफिट के साथ जाना चाहिए, जिसके अंदर आपको कंफर्ट तो मिलती है, साथ में आप कूल भी दिखते हो। और सबसे मेन ये है कि आप जब भी कोई भी आउटफिट पहनते हो तो उनके साथ एक्सेसरीज जरूर पहने, जैसे घड़ी होगी, वॉच होगी, चैन होगी, इन चीजों का आप पहन सकते हो। ये नहीं कि मतलब बप्पी लहरी की तरह मतलब गोल्डमैन मतलब। अगर कपड़े की बात करें गाइस, तो गर्मी का सीजन तो मेरे ख्याल से आपको लिनन के साथ जाना चाहिए, बिकॉज लिनन जो होता है वो गर्मियों के लिए वरदान है। गाइस लिनन जो कपड़ा होता है वो ब्रेथेबल होता है, जो मतलब आपके जो बॉडी के अंदर जो पसीना बनता है वो उसको मतलब वेपोरेट करके उड़ा देता है, ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छे से ब्रेथ हो पाए। वहीं पर अगर आप कोट पैंट पहनना चाहते हो तो आप लिनन के कोट पैंट सिमवा सकते हो या फिर लिनन का ब्लेजर भी पहन सकते हो, बिकॉज ये ब्रेथेबल होते हैं। अगर आपकी बॉडी ब्रेथ नहीं कर पाएगी गर्मियों के अंदर तो मतलब आप पानी पानी हो जाए। अब गाइज अगर बात करें कलर कॉम्बिनेशन की, तो आपको कपड़ा चूज करते टाइम ऐसे के कलर्स को यूज करना है जो तड़कते भड़कते ना हो। अगर आप तड़कते भड़कते कलर यूज करोगे तो मतलब हर कोई आपकी आउटफिट की तरफ देखेगा, आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा समझे। सो गाइज आपको ऐसे कलर कॉम्बिनेशन को चूज करना है जो काम भी हो और दिखने में सेक्सी भी हो। सो गाइज ये तो हो गए आउटफिट के आइडियाज, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ग्रूमिंग टिप्स। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को इनको फॉलो करना चाहिए। सो गाइज जब भी आपको मतलब किसी पार्टी में जाना है तो उससे 3 से 4 दिन पहले आपको हेयर कटिंग करवा लेनी, ताकि आपके जो हेयर्स हैं वे 3 से 4 दिन के अंदर सेट हो सके। अगर वहीं पर आपके चिक्स पर, आपके फोरहेड्स पर अगर अनवांटेड हेयर्स हैं तो आप उनको थ्रेड्स और वैक्स की हेल्प से उनको हटवा सकते हो, आपकी मर्जी है। और हाँ गाइज जिस दिन आपको पार्टी में जाना है तो आपको मतलब अपने फेस के ऊपर स्क्रब जरूर करवाना, कि आपके फेस से डेड स्किन सेल्स हट जाए और आपकी स्किन है वो अच्छे से ग्लो कर पाए समझे। और हाँ सबसे मेन गाइज ये है कि गर्मियों का टाइम है ही, तो आपको सनस्क्रीन का यूज जरूर करना और साथ में एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस जरूर होनी चाहिए, ताकि मतलब हर कोई देखे कि लड़का तो सेक्सी है ही, साथ में इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इनको दीवाना भी बना दे समझे। सो गाइज ये थी वो छोटी सी वीडियो वेडिंग आउटफिट के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो समझे, हर बार नहीं चलेगा।
सो गाइस तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मोटिवेट रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में।